એ જોને નવે ખંડમાની નજરો પડે, એ ત્યાં તો બેઠી મહાકાળી માતાજીને મળવા હાલો સંગ હાલો રે સંગ હાલો, ભાવ ગંગામાં ભળવા હાલો સંગ હાલો રે સંગ હાલો, હાલો રે સંગ હાલો, એ દેવી મારી ડુંગરવાળી મહાકાળી દીન દયાળી ભવાની આઠ ભુજાળી, રાજી થાય ભક્તો ભાળી નમાવે ભાગની ડાળી, દુઃખ એના નાખે ટાળી પરગટમાં પર ચાળી, કલ્યાણી માત કૃપાળી, હાલો હાલો પાવાના ડુંગરીએ રૂડો સંગ હાલો રે સંગ હાલો, હાલો રે સંગ હાલો, હે દેવી ના ડુંગરીએ રૂડો સંગ હાલો રે સંગ હાલો, પાવાના ડુંગરીએ રૂડો સંગ હાલો રે સંગ હાલો. બોલો મહાકાલી માત કી જય. પ્રથમ સ્મરણ શારદા ગૌરીપુત્ર ગણેશ, આપ બસો જુબાં પે સદા હરિહર બ્રહ્મ હમેશ, સુનતી અરજ સબકી માતા કરતી સદા સહાય, કષ્ટ કાટે દુખ ભગાતી વંદન માં મહાકાલી આઈ. ભક્તો કિતની બડી આસ્થા હૈ કી આપ સબ મહાકાલી માં કે આશીષ લેને કો જગત કી મોહ માયા છોડ કે માતાજી કે ચમત્કાર સુનને સમય નિકાલ કે યહાં તક આતે હો. આઈ માં, મેરા નામ મંજુ, યે મેરે પતિ હૈ ઓર યે હમારા બેટા ભાવેશ. આઈ માં, મેરા તો સમૂચા જીવન મહાકાલી માં કો અર્પિત હૈ, માને હી હમારી નૈયા પાર લગાઈ હૈ. આઈ માં, હમે સંતાન નહીં થા પર મહાકાલી માં પાવા વાલી ને કૃપા કી ઓર ભાવેશ જૈસા સુશીલ પુત્ર દિયા. આઈ માં, આપકી વાણી કી હમને બહોત તારીફ સુની હૈ, તો આજ માતાજી કા પ્રાકટ્ય ઓર ચમત્કાર આપકે મુખ સે સુનને ખાસ આયે હૈ. ક્યા નામ આપકા? જયકર. હા જયકર ભાઈ, મેરી તો ઉમ્ર ભર માતાજી કી સેવા પૂજા કરને કી સોગંધ હૈ, યે જીવન ઉન્હે સમર્પિત કિયા હૈ, તો સબસે પહેલે મેં આપકો મહાકાલી માં કે પ્રાકટ્ય કી બાત કરું. આદ્ય શક્તિ માં ભવાની તો અત્ર તત્ર સર્વત્ર હૈ, આદ્ય શક્તિ અક્રમ મેં સે નવ સ્વરૂપ પ્રકટ હોકર નવ દુર્ગા કહેલાએ, ઉસકે બાદ નવ મેં સે અનેક સ્વરૂપ 64 જોગની ઓર 64 સે અનેક સ્વરૂપ પ્રકટ કરિશ્માઈ દેવીઓ કે રૂપ મેં માની ગઈ. મહાકાલી માં ભી શક્તિ રૂપ દેવી કે રૂપ મેં સુપ્રસિદ્ધ હૈ. આઈ માં, મહાકાલી માં પાવાગઢ કી ચોટી પે કિસ તરહ બિરાજમાન હુએ? લોકોક્તિ અનુસાર મહાકાલી માં કેસે પ્રકટ હુએ उसके अलग अलग प्रसंग मिलते हैं. शास्त्र अनुसार माँ पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उसमें भगवान शंकर और पार्वती माँ को निमंत्रण न भेजा, अतएव शंकर भगवान ने कहा कि निमंत्रण बिना यज्ञ में नहीं जाना. पार्वती माँ ने कहा कि पिता के घर जाने में न्योती की जरूरत नहीं. शंकर भगवान ने कहा, आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा.
माँ पार्वती पिता के घर यज्ञ में गए। दक्ष प्रजापति, यह पवित्र यज्ञ से सर्वत्र धर्म का जय जयकार होगा। आपको इसका अधिक से अधिक पुण्य मिलेगा। देवो, मैं आप सभी का ऋणी हूँ कि इस पावन कार्य में सर्व पुण्यात्माओं का सहयोग रहा। यह तो आपका विवेक है। माँ पार्वती के बाबुल घर पधारने का अहोभाग्य मिले, इससे बेहतर क्या हो सकता है। बेटी पार्वती, क्यों मौन लगा रखा है? निमंत्रण नहीं मिला इसलिए? पिताश्री, दिखता है कि सर्व देवता इस यज्ञ में उपस्थित है, तो भगवान भोलेनाथ मेरे स्वामी का स्थान क्यों नहीं? पार्वती, भूतों की टोली साथ हो उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं। तुम आ गई, यज्ञ संपन्न हुआ। उनके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं पिताश्री, उनकी उपस्थिति के बिना इस यज्ञ का भी कोई अर्थ नहीं। पर अब क्या हो सकता है? भोलेनाथ को निमंत्रित करके फिर से यज्ञ करवाइए। ये असंभव है। भूतों को साथ रखने वाले शिव शंकर मेरे यज्ञ में आए तो यज्ञ अपवित्र हो जाए। अजन्म, अविकार, निर्गुण व निराकार पर ब्रह्म परमात्मा शिव जी से पवित्र इस संसार में दूसरा कोई नहीं पिताश्री, उनका ऐसा अपमान। अब मैं स्वयं को इस अगन ज्वालाओं में समर्पित करती हूँ, यही इस भूल का प्रायश्चित है। जय भोलेनाथ। पुत्री, फिर तो अनर्थ होगा। रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ, रुक जाओ भगवती, रुक जाओ भगवती। भोलेनाथ, बड़ा अनर्थ हुआ। आप जानते हो कि शंकर और पार्वती कभी अलग नहीं, फिर भी ऐसी भूल की। प्रभु, आपकी उपस्थिति मुझे अपवित्र लगती थी, इसलिए निमंत्रण न भेजा। देखा ना इसका परिणाम, पार्वती ने समर्पण किया। अब जीव जंतु पशु पक्षी मानव सभी को विनाश के लिए विवश होना पड़ेगा। हे मेरी अर्धांगिनी, आप कभी भी मुझसे अलग नहीं। आपने जीवन समर्पित किया, पर अब पृथ्वी पे प्रलय होगा, चारों दिशाओं से चित्कार उठेगा, मेरे तांडव नृत्य के प्रत्येक कदमों पे विनाश की आंधी उठेगी। भगवान की जय। पधारिए देव। भगवान, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माँ पार्वती ने भगवान का स्थान नहीं था, इसलिए आत्मसमर्पण किया। भगवान शंकर को पता चलते ही उन्हें क्रोध आया और अपने तांडव नृत्य से तीनों लोक में भूचाल मचा रहे हैं। भगवान, इससे सभी को बचाओ, वरना प्रलय हो जाएगा, जीव मात्र का विनाश हो जाएगा, पृथ्वी रसताल जाएगी, तीनों लोक तहस नहस हो जाएंगे। प्रभु, हे प्रभु, शिव जी को यदि नहीं रोका गया तो अभी 14 ब्रह्मांड का नाश होगा। देवो, आप चिंता न करना, शंकर भगवान तो भोलेनाथ है, उनका प्रत्येक कार्य ईश्वरीय संकेत मानना। हाँ, यहाँ भी वह पार्वती भगवती का महिमा बढ़ाना चाहते हैं। यह मेरा सुदर्शन चक्र मैं छोड़ता हूँ, जिससे भगवती के शव के 9 टुकड़े होंगे, वे 9 जगहों पे गिरेंगे, वहां भगवती 9 स्वरूपों में विराजेंगी और नव दुर्गा कहलाएगी। Thank you.
नौ टुकड़े जिस जगह पे पड़े उसके नौ माताजी के मढ़ बने। उस नौ में से एक टुकड़ा चापानीर के पास गिरा। वहाँ जो मढ़ बना उसे पावागढ़ कहते हैं और वहाँ नौ दुर्गा का एक स्वरूप यानी महाकाली माँ। और इसी कारण नौ रात्रि के वो नौ दिन है जिसमें छोटे बड़े हर कोई माताजी के प्रार्थी बन गर्भे घूमते हैं। बोलो महाकाली माते की जय। कितनी अद्भुत और आस्था वाली बात है। आई माँ, मुझे फतेह राजा की बात सुननी है। मेरी मम्मी कहती है पर उन्हें बराबर याद नहीं, सब गड़बड़ घोटाला। राजा फतेह रावण की बात तो जग मशहूर है। मैं तो बार बार ये कहानी भक्तों को कह सुनाती हूँ। आज फिर एक बार आपको कहूँ, सुनिए। हे माँ काली पावा वाली, दुख पर लेके ललकार करे, शुभ मनोकामना लेके जो आए उसका बेड़ा तू पार करे। चांपानेर में पावागढ़ में महाकाली माँ की कृपा दृष्टि होने से हर सुरद्धि सिद्धि एवं हर्षोल्लास। वहाँ का राजा फतेह रावण कहीं पे उसका नामोल्लेख जैसी है वो, और महारानी चंद्रावती माँ काली पावा वाली के परम भक्त रात दिन माँ को पूजे और माँ के नाम पे गरीब लाचार को दान पुण्य करे, हर रोज माँ की सेवा पूजा करे। गौ ब्राह्मीण प्रतिपाल, दशो दिशा में जिसका जय जयकार, पवन दुर्ग के गादीपति महाराजाधिराज फतेह रावण और महारानी चंद्रावती पधार रहे हैं। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, श्रणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओ माँ शक्ति, आप ही मंगलमय हो, लाभ एवं आनंद देने वाले आप ही हो। हे कालिका माँ, मेरे राज्य में रिद्धि सिद्धि देने वाले आप ही हो। शरण में आने वाले को आप बचाते हो, आप सब जानती हैं और देखती हैं। बस यह जन्म आपकी पूजा भक्ति में यूं ही बीते, ऐसे आशीष दो माँ। हे पावा की चोटी पे विराजमान महाशक्ति देवी कालिका, श्रद्धा एवं विश्वास से, भक्ति एवं निष्ठा से समग्र जीवन आपके चरणों में नतमस्तक रहे हैं और रहेंगे। हे काली माँ, हमारे राज्य में सभी प्रकार का सुख शांति और समृद्धि आपने दी है, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन माँ। बोलो कालिका माते की जय। देवी माँ कालिका की जय। लो अब बहु बीटिया रास गरबे लेके माँ कालिका को आराध हो। लू के दे अरे गुरुदेव
के सर्वे देवियों ने लावे आवे चाचर चौके घूमवाने पावागज आवे चाचर चौके घूमवाने पावागज कुंजलड़ी ओ कुंजलड़ी दर्शन देशे पावा वाली जा जल्दी दर्शन करवा पावा गज जा जल्दी दर्शन करवा पावा गज कुंजलड़ी ओ कुंजलड़ी कुंजलड़ी ओ कुंजलड़ी महाराज, रात दिन कालिका माँ की भक्ति और प्रजा सुख के सिवा आप कुछ सोचते ही नहीं, ये हम प्रजाजनों के लिए गर्व की बात है। महारानी माँ, हाँ, इस समूचे क्षेत्र में पते महाराज और आपकी भक्ति की मिसाल नहीं। आपका राज रामराज कहलाता है। बोलो पते महाराज की जय, महारानी चंद्रावती की जय। नहीं प्रजाजनों, जय बोलो जगत जननी आदि शक्ति अम्बा ईश्वरी का। हम सब तो उनके चाकर चरण रज कहलाए। बोलो महाकाली पावा वाली की जय। महाराज देखिए, वो दुखियारी वहां बैठी है, चलिए उसे वहां जाकर दान देते हैं। लाओ ले बहन, हा? ये फूल नहीं, फूल पंखुड़ी। अरे क्यों हंसती हो? पगली नहीं, तुम सब पागल हो। तुम्हारे हाथ का दान नहीं लूंगी। हाँ नहीं लूंगी। क्यों, हमारे दान में कोई खोट है? बांझ के हाथ का दान नहीं लूंगी। तुम बांझ हो। मूर्ख स्त्री, इसकी सजा जानती हो? तलवार के वार से गर्दन उड़ा दूंगा। सेनापति, सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। यह सनातन सत्य को स्वीकारने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। महाराज मुझे चक्कर आ रहे हैं, जल्दी यहाँ से चलिए। चलो। हे माँ भवानी, तेरा सहारा बड़ा,
ये ताने नहीं सह जाते माँ। चंद्रावती क्या हुआ, कोई डरावना सपना देखा? महाराज, प्रजा का प्रतिनिधित्व कर उस पगली ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा। ओ। हम भूल गए थे कि हमारा वंश वारस नहीं। लिखने वाले के लेख को कौन बदल सके, परिस्थिति का स्वीकार ही एकमात्र रास्ता है। महाराज, आज तक मैंने आपसे खास कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। चंद्रावती। महाराज, कल कोई प्रजाजन सुबह आपका शगुन नहीं करेगा, सुबह आपका मुंह देखकर वापस मुड़ जाएगा तो जीवन जहर बन जाएगा। आप दूसरा ब्याह कर लीजिए महाराज। दूसरा ब्याह करके संतान सुख प्राप्त होगा ऐसा मान लेना मूर्खता है। केवल संतान के लालच में मैं आपका प्रेम स्नेह और साथ गवाने को तैयार नहीं। पर मैं आपको इतना ही चाहती रहूंगी, मैं बालक को मेरा स्वयं समझ के पालूंगी। मेरी यदि एक पतिव्रता स्त्री की इच्छा हो तो स्वाभाविक है कि मुझे भी एक पतिव्रत का वादा निभाना चाहिए। पर महाराज, कसम है तुम्हें महाकाली मात की, यदि फिर कभी दूसरे ब्याह की बात की है तो वारी जाऊं पवन दुर्ग के धनी पे। चंद्रावती, आप माताजी की आराध करो, माँ भगवती जरूर हमारे बांझ के ताने तोड़ेगी। लो, मैं राज्य में चुपचाप गश्त लगा आऊं। जी। कोई दुखी तो नहीं है ना, देख के आऊं और हो तो मदद भी करके आऊं, है ना? ठीक है, माँ काली का आपकी रखवाली करे। जय माता जी। जय माता जी। भाई, कहावत है ना, यथा राजा तथा प्रजा। रघु, हमसे ये कहावत बराबर जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे महाराजा महाकाली के उपासक है, प्रजा के दुख में दुखी व सुख में सुखी रहने वाले हैं। आहो मगन भाई, हमारे राज्य में सभी को दो वक्त की रोटी व कामकाज आसानी से मिल जाता है। पर भाई, सुना है कि पड़ोस के राज्य में राजवी बुरे मार्ग मुड़ा है, प्रजा त्राही माम है, वहाँ की प्रजा यहाँ आना चाहती है। भाई, अपने महाराज तो विशाल हृदय के हैं, सभी को बसा लेंगे। हे महाकाली माँ, आपका जय जयकार है। हे जगत जननी महाकाली माँ, मन वचन कर्म से पवित्र रहकर आपकी सदा आराधना की है माँ। माँ एक बच्चे की खोट है, वंश वारस नहीं होगा तो सगे संबंधी और राज राजवी यह पवन दुर्ग के लिए अंदर ही अंदर लड़ मरेंगे। हे बावा की देवी, हे भगवती, आज मेरी अरज नहीं सुनोगी तो सर पटक पटक के जान दे दूंगी माँ, जान दे दूंगी। चंद्रावती, तेरी ये सच्ची पूजा भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, तेरे बांझपन से मैं अज्ञात नहीं हूँ। माँ, तू नवेली नौरात की गर्भे राज के आंगन में करना, मैं स्वयं हाजिर रहूंगी, तेरे पेट में गर्भ रहेगा, आने वाला वो राज वारिस पवन दुर्ग नहीं देवगढ़ पे राज करेगा, तथास्तु। जय हो माँ, आपकी जय हो माँ, दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई, माँ काली का हाजिर नाजिर है, हाजिर नाजिर है। पते रावल के राज में राम राज है, मैं कलयुग, ये मेरा कार्यकाल है, कलयुग में राम राज कैसे संभव, इस राज्य पे मेरी माया जाल बिछानी बाकी है, चलो फंडा डालूं। नमस्कार पते महाराज। कौन आपकी पहचान? मैं कलयुग। कलयुग? आप वही कलयुग जिसने सतयुग में धर्म को निर्बल बनाने का प्रयत्न किया,
द्वापर युग में अधर्मियों की पेशकदमी बढ़ाने के लिए तूफान मचाया और त्रेता युग में मैंने कहर बरसाया। अब मेरा संपूर्ण युग शुरू हुआ है। पर मेरे राज पर महाकाली माँ के हजार हाथ है, तू इस राज्य का बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। तूने इस तरफ आके तेरी मौत को न्योता दिया है। अरे कहाँ गया? यहाँ हूँ महाराज। यूं तो हथियार मुझे मार नहीं सकते, पर आप महाकाली माँ के परम भक्त हैं, इसलिए आपका वार सफल भी हो सकता है। मुझे मारने से पहले मेरे अवगुण के साथ गुण नहीं जानेंगे? कलयुग यानी अवगुण का भंडार, तुझ में हो कैसे गुण? मेरा बड़ा गुण तो ये है कि सतयुग, द्वापर एवं त्रेता युग में हजारों वर्षों के तप से जो फल प्राप्त होता, वह फल मेरे इस कलयुग में केवल 6 महीने की तपश्चर्या से प्राप्त होगा। वाह, बड़ी बात है। मेरे इस युग में कोई थोड़ा भी दान करेगा तो उसे 1000 गुना फल प्राप्त होगा। वाह, उत्तमोत्तम है तेरे ये गुण, पसंद आए। पर मेरे राज्य में तुझे मैं रहने नहीं दूंगा। पर मृत्यु लोक में मैं सर्वव्यापी हूँ, आपके राज्य को कैसे छोड़ दूं? विडंबना है। अच्छा, तुझे यहाँ बसने की अनुमति है, पर तेरे मूल स्वरूप नहीं। तू रह सकता है पशु में, सुअर में, पक्षी में, उल्लू में, वृक्ष में, पलाश में, और धातु में सोना चांदी मिश्र हो उसमें। अदृश्य रहकर तू यहाँ बस सकता है। जी हाँ राजन, मैं त्रादश स्वरूप आपके राज्य में नहीं दिखूंगा। नमस्कार। नमस्कार। मूर्ख पतेरावल, गले में तूने जो हार पहना है उसी में सोना चांदी मिश्र है, मैं उसी में प्रवेश करता हूँ। अरे कन्या, खड़ी रह, कौन हो? ओ, पति महाराज, आप? माई बाप, बेल कन्या हूँ, आपके राज्य की सरहद पे रहते हैं। अभी कहाँ जा रही हो? मेरे बापू बीमार है, बेहित को बुलाने जा रही हूँ। वाह, काली पर जादूगरनी हो। हा? तेरे शरीर का सौंदर्य देवों को भी तप तोड़ने पे विवश करे ऐसा है। यह तेरी सुडोल काया जैसे बल खाती धागे, जीवन में पहली बार इस राजवी को किसी ने आकर्षित होने पे विवश किया। चल, मेरे महल धन के ढेर पे बिठाऊंगा। राजा तो माँ बाप समान, हमारे मन आप प्रभु समान हो, बेटी पे बुरी नजर मत करो माए बाप। चुपचाप चल, वरना सूली पे चढ़ाऊंगा। दूर ही रहना पतेराज, कोई ऐसी वैसी नहीं, मैं भील कन्या हूँ। भील कन्या बुरे वक्त में भील कन्या तीर भी छोड़ना जानती है। मेरी एक आवाज से ये सभी पेड़ से तीर छूटेंगे। अरे तीर से डरे वे पतेराज नहीं, चल। मैं इस राज्य का मालिक पतई रावण। अच्छा हुआ आपने बतला दिया, वरना ये कातिल तीर आपके कलेजे के आर पार हो जाता। बापू, मेरे राज्य में रहकर मुझ पर वार, सभी को सूली पे चढ़वाऊंगा। बापू, आप किस सरहद पे रहते हैं? यहाँ रहना हो तो लड़की को मेरे सुपुर्द करना होगा। आपे में रहो बापू, यहाँ बिटिया पे बुरी नजर डालने वाले की आँखें खींच लेने का रिवाज है। तो यहाँ रहने का तुम्हें अधिकार नहीं, निकल जाओ यहाँ से। और यदि रहना हो तो लड़की को राजकन्या बनने देनी होगी। इन भीलों के शरीर में खून की एक बूंद होगी तब तक हमारी बिटिया पर आंच नहीं आने देंगे। देखता हूँ, अभी बड़े लश्कर के साथ आऊंगा, सभी तहस्त नहस्त कर डालूंगा और घोड़े पे बिठा के इस भील कन्या को ले जाऊंगा। साथियों, राजा सत्ता के मोह में शान भान भूला है। कालिका माँ का सच्चा भक्त अचानक विकृत कैसे बना? चलो हम अभी ही निकल जाएं।
और अहमदाबाद के सुल्तान मोहम्मद को अर्ज करें, सहाय मांगे, वो जरूर शरण देगा, क्योंकि चांपानेर जीतने की सुल्तान की मन्नत है। महाराज, बीती बात भूल जाइए, बीती क्षण को भूल जाने में ही मजा है। इस तरह बोलो, मेरे आश्रित मुझे मारने को तैयार हो? अरे एक एक की आंखें सुलगती सलाखों से निकलवाऊंगा। पर आश्रित कन्या पर बुरी दृष्टि करना ये कहाँ का न्याय है? न्याय अन्याय तराजू में खूब तोले। अब तो मेरी इच्छा वही न्याय। चंद्रावती, तुम मुझे बालक नहीं दे सकती, पर मैं नामर्द नहीं। महाराज, ये तो कैसा वासना का आगन खेल कि एक भील कन्या में भान भूले। अरे स्वयं भगवान भोलेनाथ बिलड़ी में भान भूले थे, जबकि मैं तो सामान्य सा मानवी। तुझे क्या खबर वह मधमाती काया की महकता? चंद्रावती, तुझ में स्त्री सहज इच्छा आई, पर मैं वह सुडोल अंग से अंग मिला के मन की मौज मना के ही रहूंगा। मैं आपको पाप के मार्ग नहीं जाने दूंगी। मुझे रोकने वाला इस जगत में पैदा नहीं हुआ। महाराज, आपके हुक्म के अनुसार मैं भील सरदार और भील कन्या को पकड़ने गया था, पर वे लोग भाग निकले। अरे आकाश पाताल एक कर दो, जहाँ हो वहाँ से पकड़ के लाओ। खबर मिली है कि वे अहमदाबाद के सुल्तान मोहम्मद के आश्रित बनने गए हैं। वहाँ से पकड़ लाना साहब के मुंह में हाथ डालने बराबर है। सुल्तान मोहम्मद को मैंने एक बार तो शिकस्त दी है, फिर से उसे सबक सिखाना होगा। चलो। हे माँ पाहो वाली, हे महिषासुर को मारने वाली महाकाली माँ, फिर विपदा आई। माँ, ऐसा अधम कृत्य दूसरे किसी ने किया होता तो पील पील के तेल निकलवाती, जिंदा चिता पे चढ़वाती, पर ये घोर अपराध आपके परम भक्त पति रावण का है। घर के घातक बने तो आपके सिवा किसे फरियाद करे। हे कालिका माँ, मेरे पति के इस अक्षम कृत्य की सजा मैं भुगतूंगी। मायके से लाई इस अंगूठी में भरा जहर पीकर प्राण दूंगी। स्वीकार हो माँ कालिका, मेरे समर्पण का स्वीकार हो। रुक जाओ बेटी चंद्रावती, ये परीक्षा की कड़ी है। तेरे पुण्यशाली पति की ग्रह दशा बदल गई है, उसके कर्मों में कलियुग व्याप्त है, अब उसके पतन को रोकना असंभव है। मेहर करो माँ, कामाग्नि में अंध बने आपके परम भक्त को बचा लो माँ। चंद्रावती, कर्म के लेख को कोई भी बदल नहीं सकता, देवी देवता भी नहीं। यदि कर्म के लेख देवों से भी बदलते रहे तो फिर सृष्टि में कोई कर्म ही ना रहे बेटी। तो आप ही कोई रास्ता दिखाओ माँ, मैं क्या करूँ। मैंने तुझे दिया आदेश, त्वरित पूर्ण कर। तुम्हारे आंगन में गरबे खेल, मैं स्वयं आऊंगी। मैं पावा की देवी कालिका बोलती हूँ कि तुझे दूध सा सफेद पुत्र होगा, जो पवन दुर्ग के विनाश पश्चात देवगढ़ का राजा बनेगा। आने वाले प्रलय में तुझे कोई हानि नहीं होगी। तथास्तु। जय हो माँ, आपकी आज्ञा का अनुपालन वही मेरा परम कर्तव्य। महाकाली माँ सत्य है, सत्य है। महाराज, ये अफीम का नशा तो आपको नापसंद था, और आज राजा होने के बावजूद मैंने मौज मजा की ही नहीं, अब जाना कि अफीम के नशे में कैसी मौज है। बिलड़ी का श्यामल रूप मेरे मन बसा है। पर अग्नि की साक्षी में आपने मेरे साथ फेरे लिए हैं। देखा, आई ना ईर्ष्या। ईर्ष्या नहीं महाराज, प्रेम।
अब भी समय है, बदी से वापस मुड़िए और माँ कालिका को आराध्य क्षमा मांगिए। मुझे अब कोई चमत्कार या माताजी में विश्वास नहीं, अब तो बस खेलना है रंगीन रातों से और मद माता नशा। महाराज तो फिर प्रलय होगा। अरे तैयार हूँ प्रलय का सामना करने को। ठीक है, आप स्वामी हैं और स्वामी का कोई स्वामी नहीं, पर आज आपकी ये अर्धांगिनी आखिरी बार पल्लू पसारती है। माँ की पवित्र नवरात्रि शुरू हो रही है, माता जी ने मुझे वचन दिया है कि मेरी गोद भरेगी, बांझपन मिटेगा, बस हमारे आंगन में नवरात्रि मनाने की अनुमति दे। एक शर्त। एक नहीं, आपकी सारी शर्तें मंजूर। तो राज में से सुंदर कन्याओं को निमंत्रो, वे नशीले अंगों से कहो मद मस्त बने। महाराज उन कन्याओं में जगदम्बा जोगनी का वास होता है, इतना याद रखना। मुझे मशवरा देना बंद करो और जाओ आंगन में गवाओ गरबे। ये 16 साल की सुंदरी कौन है जिसके आगे सुमन को शर्माना पड़े, बावरे भी भूल से आकर्षित हो जाए। ऐसी खूबसूरती मेरे राज्य में है और मुझे खबर नहीं। अरे ये तो मेरी पटरानी बनने लायक है, भीलड़ी को भूलने इसका सहारा जरूर है। Oh,
महाराज, अंदर पधारिए। तुम जाओ, मैं राज्य में गश्त लगा हूं। जैसी आज्ञा। ओ सुंदरी, खड़ी रह, मुझे तेरे साथ बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? वाह, क्या रुबाब है, है? क्या जवानी है। तुम मुझे पसंद हो, मेरे साथ आकर मेरे राज्य की शोभा बढ़ाओगी? बहन बिटिया को विदा करके शोभा बढ़ती है, पर मैं तो पटरानी बनाऊंगा इस मदमाती काया को। तुम्हारे रूप का मेरा कलेजा कायल है। राजन, बहन बिटिया और माँ का रूप तो पूजने के लिए है। लड़के, मैं इस मुल्क का धनी हूँ, पकड़ के ले जाऊंगा। यूं एकांत जगह में रहकर ये महकता रूप बुझ जाए, इससे पहले मेरे राज में इसकी ज्योति फैला। बान भूल रहे हो प्रजापालक, जाने दो मुझे, रास्ता रोकना नहीं। मुझसे अब तुम्हारा बचना असंभव है। मुझे प्राप्त करने में तेरा सर्वस्व तू गवाएगा। सर्वस्व गवाने को तैयार हूँ, बस अब तो तेरे पल्लू के सहारे ही जीना है। खबरदार, यदि पल्लू को हाथ लगाया तो धरती रसातल जाएगी। इस धरती का धनी मैं हूँ। तेरे कुकर्मों से धरती के धर्म को कलंक लगेगा। धर्म को कलंक लगे या धरती रसातल जाए, मेरा निर्णय अडिग है, तुझे पाने का। रुक जा सुंदरी। मेरा रास्ता काटेगा तो तेरी आंत काटूंगी। राजा मिटके तू रंक बना, हंस मिटके तू पशु बना। धिक्कारेगी 18 जाति, दम निकलेगा कोढ़ से जला। अरे कोढ़ रोग मुझे मंजूर है, चाहूँ तेरी नजरों के तीर समूचा राजकाज लुटा दूं, केवल तेरे पल्लू खातिर। नराधम पकड़े जो तू पल्लू, नर्क की अग्नि में तू जाएगा। चौकन्ना हो जा मूर्ख, वरना पशु बन के जीवन काटेगा। अरे पशु बन के भले ही मरता, पर पल्लू तेरा ना छोड़ू। तुझसे यदि वारिस मिले तो मैं मौत से भी नाता जोड़ू। मेरा पल्लू पकड़ने की जिद छोड़ दे राजन। अरे जिद छोड़ दूं तो राजन कैसा? तेरे पुण्य पाप में बदल रहे हैं। पाप पुण्य की परवाह करे वह पतेराज नहीं, तो पतेई का पतन होते देर नहीं होगी। ये पतेराज तेरे लिए मरने को तैयार है। तूने मुझे अभी जाना नहीं। दिल की रानी को कौन न जाने, तेरा सर्वनाश होगा। नाम उसका नाश निश्चित है, ले ये पकड़ा तेरा पल्लू। कहा न माना, समझाने से न समझा, तो देख देख अब ये मेरा असली रूप। ये क्या, यह काला डरावना चेहरा, यह विकराल रूप, यह आग उबलती आंखें, अरे ये तो साक्षात माँ भगवती कालिका। हाँ, मैं काली, पावा वाली, खप्पर वाली। राजन, तूने मेरी भक्ति छोड़ मुझ पे बुरी नजर डाली। ना, ना। तेरे इस पाप से अनेक मानवियों का रक्त बहेगा और उसका पाप तेरे सर चढ़ेगा। पान भूले हुए भूपति अन्न दाना व बूंद पानी को भीख मांगता फिरेगा। ना। तेरी नस नस में हजार हजार बिच्छू के कांटे की वेदना होगी। ये क्या, ये तो शरीर में नस्तर चलते हो ऐसी वेदना होती है। मूर्ख राजा, मैं काली पावा वाली तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे अंग अंग से खून बह निकलेगा, फिर भी तेरे पाप पुण्य में नहीं बदलेंगे। तेरे मृत्यु के वक्त तुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। इस पवन दुर्ग पे तेरा नाम तक नहीं रहेगा। ये
ये पावा अब तेरा नहीं रहेगा। अम्मा मैं भान बोला, पावा की देवी को पहचान न सका, मेरे रोवे रोवे में अग्नि लगी है। क्षमा हो माँ, क्षमा। क्षमा मांगते हुए देर हुई राजन। मैं पापी हूँ, मैंने अधम अपराध किया है, आपका पल्लू पकड़ने की दुष्टता की है माँ, माफ करो माँ, माफ करो। मैं महाकाली सबकी माँ, तूने यदि पुत्र की भांति स्नेह से मेरा पल्लू पकड़ा होता तो इतिहास के सुनहरे पत्तों पे मेरे परम भक्तों में तेरा नाम प्रथम रहता, परंतु तूने कुदृष्टि डाल दिया, अब मेरा दिया श्राप मिथ्या नहीं जाएगा। ओहो जा, भुगत तेरे कुकर्मों की सजा। माँ मुझे अगन ज्वालाएं जला रही हो, ऐसी भयंकर वेदना होती है, पानी कोई मुझे पानी दो। हे माँ कालिका, इस वेदना से तो मृत्यु दे माँ, मृत्यु दे। सुल्तान मामद शाह, मैं पावा की देवी महाकाली बोल रही हूँ। है स्वयं महाकाली माँ? ओह आदाब बजा लाता हूँ माँ, कोई भूल हुई मुझसे? ना, तुझे चांपानेर हासिल करना है ना? नहीं नहीं माँ, एक बार भूल की पर आपने ऐसी शिकस्त दी कि उसकी गूंज अभी तक मूक नहीं हुई। लाहौल वल्ला कुवता, तौबा तौबा। सच है सुल्तान, पावागढ़ पर मेरा बसेरा है, तूने चढ़ाई की तब पतई राज पर मेरे चार हाथ थे, पर अब हालात कुछ और है, पतई राज ने मेरा पल्लू पकड़ने की धृष्टता की है, माँ बहनों पे बुरी नजर की है। तो मेरे लिए क्या हुक्म है माँ? मैं तुझे आदेश करती हूँ कि तू चांपानेर पर हमला कर, पवन दुर्ग पे कब्जा कर, तुझे जीत प्राप्त होगी। सलाम आपको, सौ सौ सलाम। मेरी दिली ख्वाहिश है कि चांपानेर का किला फतेह करूँ, पर किले के दरवाजे तोड़ने नामुमकिन है माँ। किले का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, अब तेरे साथ पील सेना और मेरे आशीर्वाद है, अतः तेरी जीत निश्चित है। पर याद रखना सुल्तान, पावागढ़ की पहली चोटी पे मेरा बसेरा है, पावागढ़ का कंकर भी नहीं हिलना चाहिए। जीत प्राप्त करके आपके सामने मेरा सर सदा झुका रहे, ऐसे आशीष दो माँ। तथास्तु। वजीर। हुक्म जहां बना। अभी के अभी फौज को जगाओ, भील सेना को भी साथ ले लो, चांपानेर पे हमला बोलना है। जैसा हुक्म मेरे आका। या अली मदद। बहुत दर्द होता है, मैं करम फूटा, अंधा, मेरी कालिका माँ को न पहचान सका, सर्प के दंश समान यातना भुगत रहा हूँ। महाराज थोड़ा खा लीजिए, शांति मिलेगी और दर्द भी कम होगा। नहीं, मैं इस वेदना के ही लायक हूँ, मेरी यही सजा है कि मृत्यु आए ही नहीं और वेदना कम ही ना हो। पर कुछ तो पेट में डालिए, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, और मैं नहीं खाऊंगी तो हमारा ये बालक कैसे जिएगा। खाना कड़वा जहर लगता है। हे माँ पावा वाले, आप सत्य हैं, हमारा बांझ का ताना मिटाया, आपका प्रत्येक बोल सत्य है। हे माँ पावा वाली, महाकाली आप ही कोई रास्ता दिखाइए, इस मुसीबत का अंत लाइए माँ। दरवाजा किसने खोला? अपने आप खुल गया क्या? और ये क्या? ये तो मोहम्मद शाह सुल्तान अपने लश्कर के साथ
खबरदार कोई आगे बढ़े तो जान से जाओगे। ये बुढ़िया अभी तक जिंदा है, तेरे साथ तो पिछला हिसाब भी बराबर करना है। हाँ सुल्तान, ये बुढ़िया चौकीदार फतेहराज का बड़ा वफादार है। हाँ, पिछली लड़ाई में मैंने तेरे कई सैनिकों को कब्र में उतार दिए थे, मेरी मौजूदगी में तुम जरा भी आगे नहीं जा सकते। कम बख्त बुढ़िया, ले तुझे जहन्नम के हवाले कर दूं। दगा, दगा। आने के पैर कब्र में लटक रहे हैं, फिर भी इसकी शौर्यता तो देखो। मार डालो बदमाश को, मार डालो, पर मरने से पहले 10-20 को ले जाऊंगा। जय मां काली पावा वाली, आ जाओ हरामी की औलाद, आ जाओ। ले बुढ़िया, तेरी वफादारी का इनाम इस तलवार से। हर दिशा से हमला करो, फतेह हमारी है। या अली मदद। ये कैसा शोर है चंद्रावती? महाराज, सुल्तान मोहम्मद शाह ने चढ़ाई की है, हमारा लश्कर भाग रहा है। रतन सुल्तान फिर आया? मैं उसकी आंतें निकाल लूंगा। महाराज, इस दशा में आप लड़ने जाओगे? बिना लड़े तो मेरी राजपुताई जाए। तो चलिए, मैं भी राजपुतानी को शोभा दे ऐसे तलवार लेके आपका साथ दूं। नहीं, चंद्रावती तुम्हारे पेट में फतेहराज का वारिस है, उसे बचाना वह तुम्हारा पहला फर्ज है। महाराज, कुंवर बचेगा तो कभी राज्य वापस जीतेगा। पर महाराज, आपको ऐसे छोड़ के। कसम है तुम्हें महाकाली पावा वाली की, जो मेरी बात न मानो तो जाओ, जल्दी माताजी का नाम लेकर भाग जाओ, जाओ। आता हूँ सुल्तान, तेरी आंतों का हार बना के तुझे पहनाने आता हूँ। सुल्तान, दगा किया, अब आ जा मेरे हाथों से मरने। दगा नहीं, माता जी के हुक्म से आया हूँ, स्वयं महाकाली माँ ने तेरा काल बना के मुझे भेजा है। जानता हूँ, ये मेरी अधमता की कड़ी सजा है, पर कायर की भांति मरने से बेहतर सूरवीर की तरह ही मरूं। सलाम तेरी सूरवीरता को फतेहराज, आ जा। क्षमा के साथ। लड़ाई बंद करो, फतेहराज का पतन हुआ है।
है माँ, मेरी बरसों की ख्वाहिश आपने पूरी की। ये नाचीज बंदा आपका एहसान मंद है माँ। महाकाली मात की जय, बाबा वाली मात की जय। यूं पतईराज का पतन स्वयं के पाप से हुआ। बुढ़िया चौकीदार स्वयं के राजा एवं राज की खातिर वफादारी से शहीद हुआ। उसके नाम से आज भी बुढ़िया दरवाजा च्यों का त्यों है। बोलिए कालिका मात की जय। बोलो कालिका मात की जय। आई माँ, पावागढ़ पर्वत का नामकरण किस तरह हुआ, यानी कि पावागढ़ नाम किस तरह पड़ा? वाह, अच्छी बात याद दिलाई। पावागढ़ पर्वत का नाम पावागढ़ किस तरह पड़ा, उसके पीछे भी माँ कालिका का चमत्कार है। सुनो, पहले के जमाने में पावागढ़ की ऊंचाई इससे 4 गुना थी और आसपास के विस्तार में भयंकर गहरी खाई बेशुमार। इस इलाके में एक संत महान आत्मा ऋषि महाराज का आश्रम, ऋषि महाराज की एक कामधेनु गाय, इस गाय पे माँ काली मात की असीम कृपा। ऋषि महाराज कायम गौ माता की पूजा करे, गाय की बछड़ी को बिटिया समान प्रेम दे, गांव के लोग भी इस गौ मैया को आस्था से माने, अपनी विपदाएं गौ मैया के पास रखे और रास्ता बताने को प्रार्थना करें। चित्त शुद्धि देना मुझको गौ मैया, इतनी अरज हमार, करू तन मन से भक्ति, ऋषि महाराज की आराध लेना स्वीकार माँ। बोलो काम देनु गौ मैया की जय, कालिका मात की जय। भक्तों, आप सभी गाय माता की सेवा पूजा के लिए यहाँ आते हो और आस्था भक्ति में डूब के दुनिया भूल जाते हो, वह पिछले पुण्यों का फल है भाइयों। ऋषि महात्मा, यह गाय माता ने हम दुखियों के अनेक कष्ट काटे हैं, मुसीबत में भी मार्ग बताया है। पिछले साल अकाल के बुरे हाल से यह गौ मैया ने हमें उगारा था। महाराज, गाँव में जिसे जिसे दूध की आवश्यकता होती है ना, उसे यहाँ से दूध मिल जाता है। चमत्कार तो ये है कि गौ मैया के आंचल से दूध की अमीधार कभी सूखी नहीं, उनकी यह बछड़ी भी दूध पी पी कर मस्त बनी है। भक्तों, गौ मैया में 33 करोड़ देवताओं का बसेरा है और साथ साथ अपनी अपूजनीय कामधेनु पे तो माँ काली पावा वाली की अमीर दृष्टि अहर्निश बरसती है। इसलिए जिसे जब जितने दूध की आवश्यकता हो ले जाना। राम राम ऋषि महाराज। राम राम चमन, क्यों चिंता में दिखता है? महाराज, आश्रम से बच्चों को छुट्टी दे दी? हाँ, सभी बच्चों को शिक्षा पाठ दे के समय पर छुट्टी दी है। तो फिर मेरे कलेजे का टुकड़ा कहाँ गया? हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। महाराज, मेरा लड़का हरी अब तक घर नहीं आया। चमन, समझू, घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा हरी चंचल है। लड़के मुझे कहते हैं कि हरी हर रोज इमली गिराने जाता है, आ जाएगा। ऋषि महाराज, हमने हर जगह देखा, हरि का कहीं भी पता नहीं। तो करो यह काम धेनु से आर्दा, गाय माता जरूर हरि का पता बताएगी। भले महाराज, जैसी आज्ञा। हे गाय माता, हे निराधार के आधार, आप पर कालिका माँ की अमी दृष्टि है। हरि मेरा एक लौता लड़का है, उसका पता दे दो माई, उसका पता दे दो। हे माता जी,
आपने हमेशा जग को दिया है। जगत का आधार आप है। हजार मन्नतों से मिला मेरा लाल खोया है। चलो मैया, चलो आगे चलो और ढूंढो मेरे बच्चे को। चलो माँ। तो कितनी देर हो गई इस अनजान जगह पे खामखा आया, पत्थर के घाव मार मार के थक गया, पर एक भी इमली हाथ न आई। ओ हो, अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? यहाँ वीराने में क्यों पड़ा है? मेरे लाल, तुझे क्या हुआ? ए हरि, मेरे बच्चे आंखें तो खोल बेटा। देख ले तो मुझे। हरि को क्या हुआ? महाराज, हरि तो कुछ नहीं बोलता। हरि हरि, बेटा हरि। ओ, इसे तो सांप ने काट लिया है, नाग ने डस लिया है। मेरे नाथ, मेरे बेटे को सांप ने काटा। हे कालिका माँ, हे गाय माता, लाज रखना, हम निराधार के आधार की रखवाली करना माँ, रखवाली करना। महाराज, मेरे जान निकल जाएगी, वो काल मुख काले नाग का दंश मेरा बच्चा कैसे सहेगा? कुछ करो ऋषि महाराज, कुछ करो। हरि को कुछ नहीं होगा, यह गाय माता हमारे साथ है, जल्दी गाय माता का दूध लाओ। हे गौ मैया, हे गाय माता जी, आपने सदा सर्वदा दुखियों की लाज रखी है। मां कालिका की अमित दृष्टि तुम पर है, उस अमित दृष्टि के किरण इस बालक पर डाल के सर्प दंश का नाश करो मां, नाश करो। कालिका मात की जय। कामधेनु गाय मात की जय। हो मां, आपकी जय हो। आप हाजरा हजूर है मां। लाज रख ली, लाज रख ली मां। माँ बापू, मुझे बड़े सांप ने काटा था। हाँ बेटा, पर माता जी की दया से तुझे जीवदान मिला। खूब जियो मेरे लाल, खूब जियो। हरि बेटा, आश्रम से पढ़कर सीधे घर जाना चाहिए, ऐसे भटकने से सबको कैसी चिंता आन पड़ी है। हा? गुरु जी, अब कभी भी इधर उधर भटकने नहीं जाऊंगा, सीधा घर ही जाऊंगा। शाबाश, देख यह गाय माता की असीम कृपा से तू बच गया, इसे नमन कर बेटा। जय हो गाय माता, आपकी जय हो। अरे ये कामधेनु गाय की बछड़ी खाई की ओर क्यों बढ़ रही है? ओ गाय माता, ए खड़े रहो, ए कहीं खाई में गिर जाओगे। ए खड़े रहो कहता हूं। अरे यह तो खाई की ओर आगे बढ़ रही है। ए कहता हूं रुक जाओ माता जी। ये तो
ये तो बछड़ी खाई में गिर गई। हे माताजी, हे कालिका माँ, दया करना। चलो ऋषि महाराज को समाचार दे आऊं। महाराज, ऋषि महाराज। ऋषि महाराज, यह कामधेनु गाय माता का हम दरिद्र जितना आभार माने उतना कम है। महाराज, पूरा जीवन हम गौ मैया की शरण में सेवा पूजा करेंगे। ऋषि महाराज। हाँ? ऋषि महाराज, गजब हो गया। अरे मनु भाई, क्या हुआ? क्यों ऐसे दौड़ते दौड़ते आए? महाराज, ये कामधेनु की बछड़ी गहरी खाई में गिर गई है। हे कालिका माँ, दया करना। हे गौ मैया, कोमल फूल जैसी बछड़ी खाई में गिर गई है। चलो तुम ही उसे उगारो। चलो भैया, चलो चलो। ये रही वो जगह जहां से बछड़ी खाई में गिर गई। हे माँ कालिका, मेहर करो। यहाँ से गिरने के बाद बचना असंभव है। अब क्या होगा ऋषि महाराज? बछड़ी बिना तो गौ माता बेचैन रहेगी। कुछ नहीं होगा। हम सबकी आपत्ति गौ मैया टालती है। हाँ। तो क्या खुद की बछड़ी को यह कामधेनु नहीं बचाएगी? चलो सब महाकाली माँ को आरा दे कि यह गौ मैया को इतनी शक्ति दे कि वह अपनी बछड़ी को जैसी थी वैसी निकाले। हे महाकाली पावा वाली, हे महिषासुर को मारने वाली, बछड़ी की रखवाली कराओ माँ, बछड़ी की रखवाली कराओ। हे भीड़ भंजरी, हे लाज रखने वाली महाकाली का, देर लगेगी तो बछड़ी धान से जाएगी। जल्द मेहर करो माँ, जल्द मेहर करो। भक्तजनों, यह गाय और बछड़ी जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यारी है, वैसे मैं भी इन पर अति प्रसन्न हूँ। समूचे देवगण की भी यह प्यारी गाय है, उसकी बछड़ी को क्यों करके मरने दूं? देखो, यह कामधेनु के अंचल से दूध की अमितारा ऐसे छूटेगी कि समग्र खाई दूध से भर जाएगी और बछड़ी तैर के बाहर आ जाएगी। कालिका मात की जय। महाकाली पावा वाली की जय। जय हो माँ, आपकी सदा सर्वदा जय हो। माँ, अब एक बिनती है। बोलो। माँ, यहाँ अबोल पशु चरने आते हैं, उनमें से अनेक इस खाई में गिर जाएंगे ऐसा भय रहता है। वो अबोल जानवर इस गहरी खाई में गर्क न हो जाए, इसके लिए मार्ग दिखाओ माँ, मार्ग दिखाओ। हाँ कालिका माँ, दया करो माँ, दया करो। ठीक है, गूंगे पशु के लिए तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। देखो, इस ऊंचे पर्वतों से इन खाइयों को भर देती हूँ। ए पर्वत, जा खाई में समा जा। महाकाली पावा वाली की जय। कालिका मात की जय। भक्तजनों, पौने भाग का पर्वत खाई में समाने के बाद खाई भर गई है। अब पा भाग का पर्वत जो बाहर रहा वह पागढ़ कहलाएगा और उसकी चोटी पर मेरा थानक है। जो कोई शुभ मनोकामना लेकर पागढ़ पे आएगा उसकी नैया पार लगेगी। तथास्तु। कालिका मात की जय। महाकाली मात की जय। इस तरह खाइयों में पौने भाग का पर्वत समाया और पा भाग का पर्वत बाहर रहा, जो पागढ़ यानी कि पावागढ़ कहलाया। बोलो महाकाली पावा वाली की जय। भक्तो, एक खास बात कहनी है कि यह सब बातें सतयुग की है। आज के इस कलयुग में प्रार्थना के साथ दवाई भी ले, नागदंश दे तो उसे अस्पताल ले जाना भी जरूरी है। आय माँ, महाकाली माँ ने बड़े राक्षस को भी मारा था ना? वाह भावेश, तुझे तो बहुत सारा याद है। मंजूबेन और जयकर भाई, आपने माँ बाप की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। भावेश में धर्म के संस्कारों का अच्छा बीज बोया है।
आई माँ, माँ कालिका ने ही हमें बांझपने से उगारा है। भावेश को हमने उनकी शरण में ही छोड़ दिया है। आई माँ, उस राक्षस का नाम महिषासुर था ना? हाँ, भक्तों के उद्धार के लिए माँ ने अनेका अनुज स्वरूप धारण किए हैं। निराकार से साकार बनकर अधम दैत्यों का विनाश किया है, जैसे कि शुंभ निशुंभ, चंडमुंड, हिंगासुर, रक्तबीज, आमर चामर और महिषासुर। यह महिषासुर अति भयंकर और दुष्ट दानवों का दानव राज था। अनेक वर्षों तक उसने शिव जी की कठोर तपश्चर्या की, जिससे उस पर शंकर भगवान प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महिषासुर, तेरी कठोर तपश्चर्या से मुझे यहां आना पड़ा है। मैं तेरे तप से अति प्रसन्न हूं। जय हो नीलकंठ महादेव की, जय हो प्रभु। इतने सालों की कठोर साधना के बाद आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ प्रभु। हे महिषासुर, इतने सालों की कठोर साधना के बदले में मांग, जो मांगे वो वरदान दो। हे भगवान, मुझे अभय वरदान दो। कोई देव दानव या मानव से मेरी मृत्यु संभव ना हो। महिषासुर, ब्रह्मांड का अफर नियम है कि नाम उसका नाश है और सर्जन उसका विसर्जन है। तो भगवान, इतना तो आप दे सको ना कि कोई भी वर्ग का पुरुष मुझे मात करके मार ना सके। ठीक है, तथास्तु। वाह भोलेनाथ, आप वास्तव में भोलेनाथ हो। अब मैं अजय हूं। मेरे भयंकर बल द्वारा लोगों पे अत्याचार की चाबुक चलाऊंगा, समग्र दुनिया पे काबू पाऊंगा। चलो, दो पांच नर नारी के लहू पीने से शुरुआत करूं। जागना रे जागना, महादानव काल मुक्ति आ रहा है। हाँ, मैं महादानव महिषासुर मेरे साथियों के साथ संहार करने आ गया हूँ। हे दानवराज, हुक्म करो, एक एक के सर जिसम से अलग कर दे। ए नाथ, मुझे लहू की प्यास लगी है। आ गया हो तो 525 का लहू अलग में उतारू। आ गया है बांधवो, टूट पड़ो, सब तहस नहस कर दो, जीत लो पृथ्वी को। चल राजा। बस आज इतना बस। इनमें से कुछ बच्चे साथ ले लो, यह खिलौने हमारे साथ मौज खातिर आएंगे तो मजा आएगा। चलो बच्चों, मेरे साथ चलो। हे महिषासुर, हम जैसे मासूम फूल पर जुर्म करेगा तो भगवान तुझे मार डालेंगे। साथियों, बालक को समझाओ कि मुझे कोई आदमी मार नहीं सकता। पर हम तो छोटे हैं, तुमसे डर लगता है, कहीं हम मर जाएंगे तो? तुम मेरे कब्जे में रहोगे तो ये सभी मेरे कब्जे में रहेंगे, सामने से मानव रक्त देने आ जाएंगे। हे महिषासुर, तू हमें मार डाल,
पर हमारे बच्चों को छोड़ दे। तुम सभी को धीरे धीरे मारना ही है, चलो ले लो इन बच्चों को। जैसा हुक्म दानवराज, चलो बाल राजाओ हमारा साथ चलो। बापू हमें बचाओ, हमें डर लग रहा है। भाइयों अब तो माताजी के सिवा कोई सहारा नहीं हमारे और हमारे बच्चों की जिंदगी के लिए। चलो महाकाली पावावाली को आराधना करें। सचे भाई, चलो माताजी को आराधते आराधते माताजी के द्वार जाइए। पावाना डूंगर वाली काली कल्याणी माड़ी दुखियारी बेली तू तो मावड़ी दयाल। ऊंचा ऊंचा देवराला फरक धजाई ऊंची बंदे बहु भगतारा नर नारी बाल। घेरा घेरा शंखनाद हाक पाक डाक वाजे धारा पंचमाल याज बन गई धन। अणु अणु कणु कणु माई महाकाली देवी दुखिया ने देती मारी धन यन यन। नवरात दिन रात लोक आवे तेरे तेरे सुख दुख तनी ये तो बात। सौनी अर्ज सुनी आपती मारी जी सीध करे मारी नवखंडिया युद्ध धरी हाथ। खड़गारा हाहाकार यसुरारा रण खेले मारी तार बीन काढ़े मारी ये नामूल। जला हला भला भला जल के मा भाल तारा सिंह यसवारी शोभे हाथ मातर हो। चलो बच्चों, मेरी मौज खातिर तुम्हें जो आए वह खेल दिखाने लगो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं नहीं हमें मारना मत, पर मुझे तो कुछ नहीं आता। पर उछलना कूदना तो आता है ना, उछल कूद। भले मुझे मारना मत, हाँ उछलता कूदता हूँ बस। दानवराज पृथ्वी लोक पे तो कब्जा किया, अब क्या हुक्म है? अच्छा याद दिलाया, चलो पाताल लोक पे कब्जा करो, चलो चलो चलो। अरे यह तो महादानव महिषासुर, उसे शिवजी का वरदान है, उसे संहारना असंभव है। हे वासुकी नाग मेरे शरण में आ। हे नागो, पाताल में रहना हो तो हमारे नाथ का आधिपत्य स्वीकारो, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता भी नहीं। ठीक है दानवराज, मैं तुम्हारे शरण होता हूँ। आज से समग्र पृथ्वी और पाताल लोक पे मेरा साम्राज्य है। हे नाथ, बस अब तो स्वर्ग लोक बाकी है, यदि उस पे आप कब्जा जमा दो तो समग्र ब्रह्मांड आपकी मुट्ठी में। चलो करो स्वर्ग लोक पर चढ़ाई, देव दानव मानव कोई मुझे मार नहीं सकेगा। मैं कौन? दानव का दानव राज महिषासुर। कूच करो स्वर्ग लोक की ओर। चलो। ये क्या हो रहा है? अरे ये तो इंद्रासन डोल रहा है। ये क्या, ये इंद्रलोक क्यों डोला? इंद्र भगवान कोई आपत्ति आ रही है क्या? ओह ये तो महादानव महिषासुर आ रहा है। इंद्रदेव आप हमारा रक्षण करना। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि असुर राज देवों के देव महादेव से रक्षित हैं।
इंद्रदेव, देखने को तैयार हो जाओ स्वर्ग का संहार। रुक जा दानव, संहार करने की जरूरत नहीं। हाँ? शिव जी के वरदान के कारण हम तुम्हारा सामना करने को सक्षम नहीं। मेरे बांधवो, जुल्म करो इन देवताओं पर, उनके रहने की जगह तहस्त नहस्त कर दो। जय श्री आज्ञा नाथ। बस स्वर्ग की अप्सरा, और यदि जान प्यारी है तो हमारे लिए नृत्य कर, कर नृत्य। भगवान, यह कैसे आपत्ति? नृत्य करती है या सभी देवों को मार डालो? नहीं नहीं, करती हूँ, नृत्य करती हूँ। नाथ, अब समग्र ब्रह्मांड के आप मालिक है। बधाई नाथ, बधाई। अरे मेरे देवताओं, तुम्हें भी जीत की बधाई। अब फहराओ हिंसा की विजय पताका। खम्मा दानवराज, आपको बहुत खम्मा। हे भोलेनाथ, हे शिवजी महाराज, इंद्र की स्तुति स्वीकार हो। अरे देवो, तुम्हारी आंखों में इतना सारा भय क्यों? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। महिषासुर नाम के महादानव ने आपके वरदान का फायदा लेकर पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक पे कब्जा किया है। हाँ शिवजी महाराज, स्त्रियां दिन रात रोती हैं, देवता इधर उधर भटकने पर मजबूर हुए हैं, नागलोक भी मृत प्राय है, मुझे भी इंद्रासन छोड़ना पड़ा है। हे देवताओं, महिषासुर ने कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया, इसलिए मुझे वरदान देना पड़ा। अब मुझसे उसे मारा न जाएगा। पर शिवजी महाराज, आपको ही कोई मार्ग बताना पड़ेगा। घबराओ नहीं, अब उसका अंत निश्चित है। उसके पाप की गठरी अब भर गई है। उसने मेरे पास कोई पुरुष मार ना सके ऐसा वरदान मांगा और मैंने दिया। पर महाशक्ति इस असुर को मार सकेगी। पर महाशक्ति कहाँ है? फिलहाल पर्वत पे कठिन तपश्चर्या कर रही है, जिन्हें आप सब माँ पार्वती कहते हो। हम सब हमारी शक्ति में से थोड़ा अंश पार्वती को देंगे। वो ही महामाया जगदम्बा जोगनी महाकाली स्वरूप में महिषासुर और उसके दैत्यों को संहारेगी। जाओ, आप उनकी उपासना करो, उनके गुणगान गाओ। जय भोलेनाथ। ફૂલડે વધાવે સૌ દેવી દેવ ભીનવે છે સેવકો તો આજ જો ને આવ્યા માને દ્વાર પાવાના ડુંગર વાળી શોભે મહાકાલી માળી ભરતની હેલી ચડી માને દરબાર બાલ સૌ પર ગરદીઓ દેવી દર્શન માળી અમી નજરું કરો ને સૌ પર અરજ સુણી ને મલકાણી મહાકાલી માળી ભરતની હેલી ચડી માને દરબાર हे जगत जननी आद्य शक्ति माँ पार्वती, हमारा नमन स्वीकार हो। अरे देवो, यूं अचानक मेरे ध्यान में विक्षेप डालने का कारण? हे माँ, आप तो सर्वव्यापक हो, आप ध्यानस्थ थे, इसलिए हम पे क्या बीती उसकी जानकारी ना भी हो। माँ, महिषासुर नाम के महादानव ने तीनों लोक पे कब्जा करके ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य जमाया है। त्राहिमाम शरणम, त्राहिमाम शरणम, त्राहिमाम शरणम। ओह,
इसलिए मेरे शरीर में कंपन सा अनुभव हो रहा था। माँ, शिवजी भगवान की आज्ञा से सभी देवों ने अपनी अपनी शक्ति से थोड़ा अंश आपको दिया है। अब आप उस महादानव से भी ज्यादा शक्तिमान हैं। हे आद्य शक्ति, आप तो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती हैं। मैं जगत की माता हूँ, मेरा क्रोध उन नर राक्षसों को खा जाएगा। कहाँ है वो महिषासुर? उसका अंत लाने को मैं लेती हूँ यह कालिका का रूप। कालिका मात की। अरे बालक, चल कहानी सुना। पर मुझे कहानी नहीं आती, मुझे डर लग रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे पानी पीना है। रोने का बांध, भाग, चल बे, कहानी सुना। एक था चका और एक थी चिड़िया। चिड़िया रोज खिचड़ी के दाने लेने जाए और खिचड़ी बनाए। बंद हो जा मुराद, मैं बच्चा हूँ के बच्चे जैसी कहानी सुनो है? चले चले, तू नाच के दिखा। मुझे भूख लगी है, प्यास भी लगी है, किस तरह नाचूं? ए चलो भाइयों चलो, ये रहे हमारे बच्चे। ए महिषासुर, ए महिषासुर, अब तो दया कर भाई साहब, हमारे बच्चों को खिलाने तो दे। पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। हे माँ भवानी, हे कालिका माँ, अब तो जुल्म की हद हो गई है। पधारो माँ, जल्द पधारो। जब जब इस पृथ्वी पर असुरों का प्रभुत्व बढ़ा है, जब जब अधर्म ने पाप लीला फैलाई है, तब तब मैंने उन असुरों और पापियों का नाश करने को अलग अलग रूप धारण किया है। हे महिषासुर, मैं काली, महाकाली, माँ काली का तुझे मारने आई हूँ। अधम बने तेरे कोप से तेरी मौत निश्चित बनी है पापी। मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे शिव जी का अभय वरदान है। शिव जी के वरदान को पूर्णता देने ही मैंने यह रूप धारण किया है। तुझे कोई पुरुष मार नहीं सकता, पर मैं तो जगदम्बा महाकाली खड़क के एक घाव से तेरा संहार करूंगी। दानवराज, इस महामाया की आंखों में जाने प्रलय की बिजली नर्तन कर रही है। अरे यह धरती क्यों कांप रही है? मैं सामना करूंगा, आ जाओ। जय हो माँ, आपकी जय हो। अब आद्य शक्ति युद्ध पे चढ़े। बोलो काली का मात की। देखो यह मेरी गर्जना के साथ मेरी आंख से अगन ज्वालाएं उठी। भागो भागो भागो, वरना हमारी जगह मृत्यु जगह बन जाएगी। यह तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिमान देवी है, मुझे ज्यादा ताकत से प्रहार करना पड़ेगा। हे असुर, देख यह मेरे खड़क के एक प्रहार से तेरा सर उतार, खप्पर में लहू भरूं। भागो भागो भागो। पृथ्वी में तुम्हें नाम शेष कर दूं। देखो मेरे क्रोध से भयभीत बन पृथ्वी डोली। देखो यह मेरी आंख से अग्नि बरसी, सब कुछ जलाकर भस्मी भूत कर दूंगी। हा
देवों के देव महादेव, पृथ्वी पे प्रलय आ रहा है। हे शिव शंभू, भोलेनाथ आद्य शक्ति भयंकर क्रोध में आग बरसा रही है, पृथ्वी जल रही है, कैसे भी करके देवी को शांत करो प्रभु, शांत करो। देवो जाओ, अब आप मुक्त हैं, पार्वती के क्रोध का शमन पल मात्र में मैं करूंगा। जय हो भगवान, आपकी जय हो। नहीं छोड़ूंगी, एक भी दैत्य को नहीं छोड़ूंगी, हर तरफ प्रलय फैलेगा। अरे यह मेरे पैर का भार कौन सह सका? भगवान शंकर के सिवा दूसरा कोई सह ही नहीं सकता। स्वामी, पार्वती, तुम्हें शांत करने को इसके अलावा दूसरा कौन सा मार्ग था? हे स्वामी, मुझे माफ करे, मेरा पैर आप पे पड़ा। देवों की प्रार्थना से मैंने तुम्हारे क्रोध का शमन किया। हे देवी पार्वती, तुम्हें आदि अनादि आद्य शक्ति हो, महिषासुर नाम के महाभयंकर असुर का संहार कर तुमने त्रिलोक को भयमुक्त किया है, इसलिए आपका यह स्वरूप महाकाली के नाम से जगत में पूजा जाएगा। देवी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। यूं आद्याशक्ति माँ का एक स्वरूप तब से महाकाली के नाम से जगत में माना जाने लगा। बोलो महाकाली पावा वाली की जय। भक्तों, मैंने तो महाकाली माँ का इतिहास और चमत्कार तुम्हें कहे, अब आप कहते थे मंजू बहन की महाकाली माँ ने आपको हाजरा हजूर चमत्कार दिया है, तो अपनी आप बीती सबसे कहो। हाँ आई माँ, मेरा संसार टूटने की कगार पे था, यदि माता जी ने मेहर न की होती तो मैं जीवित भी न होती। हाँ आई माँ, उस जुल्म का एक हिस्सा मैं भी था। यह मेरी पत्नी महाकाली माँ की परम भक्त है, दहेज की लालच में मैंने मंजू से शादी की थी। मंजू पूरा दहेज लाई नहीं थी, इसलिए उस पर मैंने और मेरी माँ ने अत्याचार शुरू किया। हे माँ पावा वाली, बरसों से तेरी पूजा भक्ति करती हूँ, सांस और पति के दिन रात जुल्म सहन करती हूँ, गरीब बाप की बेटी लाखों रुपए का दहेज कहाँ से दे माँ, ऊपर से बांझ मरी हूँ, मुझे बालक नहीं होगा तो मेरा पति दूसरी ब्याह लाने की धमकी देता है, सास रोज बांझ बांझ कहकर मारती है, इस नरकागार से मुझे छुड़ाओ कालिका माँ, मुझे छुड़ाओ। अरे ओ जयकर, ए बेटा उठ तो सही, अरे देख तो सही, सुबह में मरी मुई मंजूड़ी ने घर सर पे लिया है भाई। क्या है सुबह सुबह, ओहो आराम से सोने भी नहीं देते भाई। अरे सोने में भाव बिगाड़ेगा, देख तो सही, मरी हुई वह बांझ माता जी का सहारा लेकर हमें बदनाम कर रही है। माँ मैं तो तुझे कब का कहता हूँ कि इसे तलाक दे दूँ, वह सांतुड़ी मेरे साथ शादी के लिए तैयार ही है। अरे मूर्ख जैसी बात रहने दे, कोर्ट कचरी के धक्के कौन खाएगा, सिफत से उसके बाप का घर पहले तेरे नाम कर ले भाई, बाद में मरी हुई मंजूड़ी का क्या करना है वह सोचेंगे। चलो कर मरी हुई को सीधी दो। हे जगत जननी, सबका कल्याण करना माँ। अरे मंजूड़ी, यह धूप दीप दोरे धागे और माताजी के सिवा दूसरे काम है कि नहीं? मैं तो प्रार्थना कर रही थी। अरे मरी हुई झूठ बोलती है, हम माँ बेटे को कोसती थी। नहीं, अभी कचरा सफाई बर्तन कपड़े पानी खाना पकाना बाकी है, और इस वक्त माता जी के भक्त बनने बैठ गई हो। हाँ बा, अभी सब कुछ समेट लूंगी। अरे पर जल्दी उठकर मरती हो तो, अभी मुझे बाहर जाना है, अब देर से पका कर खिलाना तेरे बाप को। अरे पर बात बात में आप मेरे बापू को क्यों कोसते हो, वे तो भगवान के आदमी है। ए वह तो डाकू है डाकू, 3 लाख दहेज में देने का वादा किया था, 1 लाख देकर पानी में बैठ गया, मरे मुआ। बा थे उतने दिए,
अब अकेले बुढ़े आदमी के पास रुपये न हो तो कहाँ से दे? ए तो इतने बड़े खुद के घर को वह स्मशान में साथ ले जाएगा? तेरे नाम मकान किया है तो बोल दे बूढ़े को दस्तावेज दे दे। तो बाद में मेरे पिताजी रहने कहाँ जाए? स्मशान में। स्मशान में जाए उनके दुश्मन। अरे मूर्ख कजात, मेरी माँ के सामने बोलती है। कुसुर गुना बगैर मारते हो, मेरी महाकाली माँ सब देख रही है। डायन कहा तेरी माता जी से हमें मार डाले? बांच मर जाता हम छोटे मरी हुई। मार डालो मुझे। हे माता जी, इस नर्क से मुझे छुड़ाओ माँ। अरे अड्डियाल जा खाना बना जा ले, जा ले। हे माँ भवानी, हे कालिका माँ, तेरा आसरा सच्चा माँ। शांतु तू भी खामखा चिंता कर रही है, अरे सब कुछ हो जाएगा। जयकर तू भी समझता नहीं है, तेरे बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी। जानता हूँ जान, पर वो मेरी पत्नी मंजू से पीछा छूटे तभी हम शादी कर पाएंगे और तभी हम भागीदारी में फैक्ट्री शुरू कर सकेंगे। तू भी है ना, पिछले 2 साल से यही गाना गाता है। अब मैं ज्यादा राह नहीं देख सकती। तू रुपये नहीं लाएगा तो हमारी फैक्ट्री किस तरह शुरू होगी? शांतु बस एक बार मेरा ससुर दस्तावेज मंजू को दे दे, बाद में मंजू का काटा निकालने में हमें देर नहीं लगेगी। लाखों की कीमत का मकान है भाई। जयकर जयकर तुझे किस तरह कहूँ? मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हैं? क्या बात कर रही है शांतु? क्या करूँ जयकर, अब मैं क्या करूं? मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? रो नहीं, मुझे अरे मुझे सोचने दे। अरे तूने तो गजब कर दी भाई। अइला गजब मैंने किया या तूने? अरे भाई रड़ नहीं, चुप रहना यार। मैं तो चुप रहूंगी पर यह पेट चुप नहीं रहेगा। एक काम कर, तू मेरी माँ को मिलने आ जा, वह तुझे बहू के रूप में स्वीकारने को तैयार है। हम तीनों मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, पर जो करना हो वह जल्दी करना। हो हाँ हाँ ओके बाय बाय। मंजू हाँ थक गई? आ गए मंजू, मैं तुझे बहुत दुख देता हूँ ना? होगा, संसार है, पर ये बांज के ताने मुझसे सहे नहीं जाते। इसलिए तो मैंने तुझसे कहा था कि बड़े गायनेक लेडी डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट कराए। मुझे तो कालिका माँ पे अटूट श्रद्धा है। माता जी जरूर हमारा बांझपना टालेंगे। पर उसकी कौन ना कहता है भाई। देख मंजू, हमें ट्रीटमेंट और फैक्ट्री के लिए रुपयों की जरूरत है। तेरे बापू ने उनका मकान तेरे नाम पे किया है, उन्हें कह कि दस्तावेज दे दे, जिससे दस्तावेज बैग में गिरो रख के फैक्ट्री के लिए तेरे नाम पर लोन ले सके। पर तो फिर मेरे बापू कहाँ जाए? अब तो मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं। अरे भाई मकान कहाँ बेचना है, सिर्फ बैग में गिरो रहेगा। मेरी ब्रास पार्ट की फैक्ट्री शुरू हो जाए तो रुपये भर देंगे और मकान छुड़वा लेंगे। मैं यूं ही बेकार सा घूम रहा हूँ, वह तुझे पसंद है क्या? नहीं नहीं, पर आप ये दूसरी बार शादी शादी कर रहे हो, उस शांतुड़ी को मैं जानती हूँ, काली नागिन है, मरी मुई हाथ में आएगी तो उस केकड़ी की मैं गर्दन मरोड़ दूंगी। देख देख बेकार आदमी नखोद निकाले, घर बालक हो जाए, फैक्ट्री अच्छे से चले, बाद में एक भी खराब विचार नहीं आएगा भाई। मंजू तुझे मुझ पे भरोसा नहीं आता? आप तो मेरे सर्वस्व है, आपसे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? तो इस विपरीत परिस्थिति में तू मेरे साथ नहीं रहेगी? ठीक है, मैं मेरे बापू के पास जाती हूँ, यदि दस्तावेज देंगे ना तो लेके आऊंगी। हाँ, बस मंजू मैंने तुझ पे हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे। शर्म करो शर्म, हाथ क्यों जोड़ते हो, पति आप है कि मैं तू? मंजू हाँ? वापस आने में जल्दी मत करना, काम पूरा करके ही आना। हाँ ठीक है, जय कालिका माँ। जय कालिका माँ।
ले खा ले जयकर। माँ अब तो खाना भी जहर लगता है। क्या कहा वह मरी हुई तेरी घरवाली ने? वो तो गई है अपने बाप के पास मकान का दस्तावेज लेने। भला खाली दस्तावेज आने से क्या होगा? मैंने शांतु के वकील मित्र के साथ बात कर रखी है माँ, पत्नी के नाम जो मिलकत हो वह पत्नी के मृत्यु के बाद पति के नाम हो जाती है। पर वो मरा हुआ बुढ़ा मानेगा? उसका बाप भी मानेगा। माँ एक बात कहूँ? कहना। मेरी प्रेमिका शांतु मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हैं? अरे ऐसी मूर्खता क्यों की? ओ, पर जयकर डॉक्टर ने तो कहा था ना कि तुझ में कमी है, तुझे दवा करवानी पड़ेगी। माँ हर बार डॉक्टर सही नहीं होते भाई, मुझे शांतु पर पूरा भरोसा है, वो ही हमारा वंश आगे बढ़ाएगी। पर मरी हुई मंजूड़ी के होते हुए तुझे दूसरी बार ब्याहना असंभव है। मैंने शांतु को यहाँ बुलाया है, उसके पास मंजू का काटा निकालने का बढ़िया प्लान है। पर मरी हुई मंजूड़ी अभी वापस आएगी, उसकी मौजूदगी में शांतुड़ी को क्यों बुलाया? वो तो मैं मंजू को कोई भी बहाने से वापस भेज दूंगा। अरे तुझे जो करना है ना वो जल्दी करना, घर में रुपये खत्म होने लगे, बाद में खाने कहाँ जाएंगे अखाड़े? माँ तू चिंता मत कर, लाखों के मालिक होंगे हम। मंजू क्या हुआ? यह दस्तावेज लाई हूँ। वाह मंजू, यह तेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा हूँ, पर फैक्ट्री शुरू करने में तेरी मदद ले रहा हूँ। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करो। बहू तेरे बापू की तबीयत कैसी है? बा दम बहुत चढ़ता है बापू को, तो सिगार छोड़ने को समझाना उन्हें। अरे मंजू तू भी गजब करते है, बाबूजी बीमार है और अकेले छोड़कर चली आई। जा वापस जा और उन्हें यहाँ बुला ला। मैंने बापू को आने को कहा पर वो ना कहते हैं। बहू वो थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगे ना तो अच्छे हो जाएंगे। हे कालिका माँ तुम्हारी मेहर है माँ, मैं मेरे बापू को मना कर बुला लाऊं। ठीक है रास्ते में डॉक्टर को भी दिखा दिया ना और दवाई भी ले लेना। ठीक है बा। देखा ना माँ तीर निशाने पे जा रहा है ना। अरे जयकर लाख के 12,000 ना है ना वो देखना। हाय जयकर। हाय। नमस्ते माँ जी। आओ शांतु आओ। शांतु दस्तावेज हमारे हाथ में है, वकील को तूने मिल लिया है ना भाई? हाँ वकील घर का ही है, सब व्यवस्था हो जाएगी। पर शांतु मरी हुई मंजूरी का क्या करेंगे? जहर देकर मार डालेंगे, अखबार में आएगा बच्चे न होने से परिणीता ने की आत्महत्या। अरे शांतु यह घर में वो जहर पिए तो हमें पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अरे रुक जाओ देखना भूत निकालते पलित ना आ जाए भाई। तो एक बयाबा जगह है वहाँ जाकर उसे जहर दिया जाए। पर ऐसा करते पकड़े जाएंगे तो? देख जयकर लाखों कमाने और फैक्ट्री शुरू करने में जोखिम तो लेना पड़ेगा भाई, कहो तो मेरे वकील मित्र को साथ ले लूं। हाँ हाँ फिर तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो चलो वकील को मिलके वह बयाबां जगह भी तुम्हें बता दूं। हाँ हाँ चलो चलो। हे महाकाली माँ
जिसके भरोसे मैंने जीवन नैया सौंपी वो तारनहार ही मुझे डुबोएगा। माँ तेरी सच्ची भक्त हूँ, आजीवन तेरे नाम के जप किए हैं। तेरी भक्त को बांझ बताकर ये जुल्मी मार डालेंगे और तू देखती रहेगी माँ। बांझ बना टाल के मेरी सहाय करो माँ, सहाय करो। Oh
मंजू चल, हमारे साथ तुझे चलना है। मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली है। तुम मुझे जहर देकर मार डालने वाले हो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आऊंगी। जयकर, यह दंशीली नागिन को अब छोड़ देंगे तो हमारे कलेजे पे दंश देगी। अरे जयकर, इसे हमारे प्लान का कैसे पता चला? चुप मर बैरन। अरे, मेरा मंगलसूत्र छीनने आई है, पर तुम नहीं जानती मेरी कालिका माँ हर कदम पर मुझे सहाय करती है। उनकी मेहर से ही मैं तुम्हारी बातें सुन सकी हूँ। हरामखोर, छिप के हमारी बातें सुनी? माँ, पकड़ इसे। चल शांतु, पिला दे इसे जहर। हाँ हाँ, पकड़ो नायक को। यह रही जहर की शीशी, इसके मुंह में डाल दू। नहीं नहीं, हे माता जी, मदद करो। मदद करो। माता जी है ही नहीं कि तेरी मदद करे। ले ले ले, नहीं। ले। रुक जाओ, नराधमता की कोई हद है या नहीं? खम्मा खम्मा माँ काली, बाबा वाली को बहुत खम्मा। दुखियारन की मृत्यु चीख सुनी मेरी माँ ने। पधारो माँ, पधारो। हे असुरो, मेरी इस भोली भक्त पे तुमने किए अत्याचार की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। मैं काली, महाकाली, तुम तीनों को श्राप देती हूँ। नहीं 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 माँ, हमें श्राप मत देना। क्षमा करो माँ, क्षमा करो। माँ, हमें मंजू की भक्ति झूठ लगती थी, पर आज के इस कलयुग में भी आप हाजरा हजूर है माँ। माँ, इस अत्याचार की सूत्रधार मैं हूँ। आपके सामने माफी मांग, मेरे पाप का स्वीकार करती हूँ। तो सच्ची बात सबको कर दे, नहीं तो तेरे रोवे रोवे में कोट फूट निकलेंगे। नहीं नहीं माँ, कहती हूँ। जयकर, मेरे पेट में जो बालक है वो तेरा नहीं, पर मेरे वकील मित्र का है। भागीदारी में तेरे साथ फैक्ट्री शुरू कर, तेरा घर बार और फैक्ट्री हमारे नाम कर लेने। मैंने और मेरे वकील मित्र ने यह साजिश की थी। तो भुगत तो तुम्हारी कुकर्मों की सजा। तुम्हारे अंग अंग में अगन ज्वालाओं की वेदना उठेगी। लेकिन मैं काली, महाकाली, तुम्हें रान रान और पान पान भटकते कर दूंगी। यह तो जैसे हजार हजार बिच्छू के डंक लगते। अगन लगी, मर गया। माता जी को अरदास कर, हमें माफी दे दे भाई। रुक जाओ मैया, रुक जाओ। ये तुम्हारी भक्ति तुम्हें अरज करती है। कुछ भी हो, पर ये मेरे पति है और ये मेरी सास। वह तो मेरी माँ समान है। माँ बिटिया, तेरी पूजा भक्ति और परोपकारी जीवन से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं काली, महाकाली, प्रसन्न होके कहती हूँ कि आज से 9 माह और 13 दिन के बाद दूध सा सफेद पुत्र तेरी गोद से जन्म लेगा। जय हो माँ, आपकी जय हो। हे माँ, अब इनकी मुक्ति का मार्ग भी आप ही बताइए। मेरे मंदिर पे आकर बाधा लेनी होगी कि जीवन में कभी भी किसी का अहित नहीं इच्छेंगे। परोपकारी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तभी यह वेदना मिटेगी। तथास्तु। जय माता जी। मंजू, मुझे बहुत वेदना होती है, मुझे माफ कर दे मंजू। मंजू बिटिया, मेरे रोवे रोवे में अगन लगी है। बिटिया, मैंने तुझे बहुत दुख दिए। गई गुजरी भूल जाओ और माता जी के मंदिर चलो। शांतु, अरे तेरे जैसी जहरीली नागन मैंने देखी नहीं। जा, निकल जा यहाँ से। तेरा मुंह कभी भी दिखाना मत। जा। मंजू बहन, जो नहीं करना था वो मुझसे हुआ है। मैं जीवन भर ये यातना भुगतूंगी। हो सके तो मुझे माफ करना। हे माता जी, माफ करना, बहुत वेदना होती है। बोलो कालिका मात की जय। यूं महाकाली माँ ने मेरी रक्षा की,
और यह फूल जैसा बेटा दिया। आए माँ, मैंने और मेरी माँ ने माताजी के मंदिर जाकर मन्नत ली कि सदा सर्वदा आपकी भक्ति करेंगे, मंजू कहेगी उतना ही पानी पिएंगे। माताजी की दया से हमारे शरीर की वेदना दूर हुई। महाकाली मात की जय। भक्तो, महाकाली माँ के तो अनेक चमत्कार हैं, जो फिर कभी सुनाऊंगी। फिलहाल चलो सब माताजी की आरती में जाए। भक्त जनों ना संकट भय